राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक पुजारी पर हमला हुआ है। गोंडा में राम जानकी मंदिर के पुजारी सम्राट दास को शनिवार रात करीब 2 बजे सोते समय गोली मार दी गई। डॉक्टरों ने घायल स्थिति में उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया है। यह घटना इटिया थोक थाना अंतर्गत तिर्रे मनोरमा की है। जानकारी के मुताबिक बदमाशों ने मंदिर परिसर में घुसकर पुजारी को गोली मारी है। महंत सम्राट दास पर जमीन विवाद के चलते यह हमला हुआ है। ऐसा बताया जा रहा है कि उन पर जमीन विवाद को लेकर पहले भी हमले हुए हैं। बदमाशों ने राम जानकी मंदिर मनोरम उद्गम स्थल के पुजारी को गोली मारी है। गोली लगने से महंत सम्राट दास की हालत नाजुक बताई जा रही है। इस मामले में प्रधान अमर सिंह समेत कई लोगों पर महंत ने हमला करने का आरोप लगाया है। मंदिर के महंत पर जानलेवा हमले के बाद जिले में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस अधीक्षक और DIG पहुंचे। फिलहाल पुलिस ने तहरीर गांव के 4 लोगों के खिलाफ हमले का केस दर्ज कर लिया है। नामजद किए गए 2 आरोपी पुलिस हिरासत में है और उनसे पूछताछ की जा रही है। न्यूज डेस्क।